लखनऊ नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही से लोगों का जीना हुआ मुहाल। घनी आबादी के बीच बना कूड़ा घर से कई कई दिन तक नहीं उठता कूड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ढेर कूड़े से फैलती बीमारियां व दुर्गंध। नगर निगम जोन 7 के इंदिरा नगर में आम्रपाली चौराहे पर बने कूड़ा घर से नहीं उठता है नियमित रूप से कूड़ा। पास में ही मौजूद है मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले लोगों को होता है भारी दिक्कत का सामना। स्थानीय लोगों ने लगाया नगर निगम कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। बाइट मंदिर पुजारी राजू, बाइट स्थानीय लोग। नाम क्या है आपका? प्रदीप त्रिपाठी नाम है मेरा। आप यहीं के स्थानीय निवासी? बिल्कुल बिल्कुल, हम यहीं के बगल के रहने वाले हैं। यहाँ पे कूड़े की जो समस्या बता रहे हैं लोग, क्या समस्या है, किस तरह की? ये कूड़ा नगर निगम द्वारा यहाँ पे बाहर से आते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, गाड़ियों से यहाँ पे रख देते हैं और फिर उसके बाद इसको हटाने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 दिन 3 दिन, कभी कभी तो हफ्ते भर भी लग जाता है। आने जाने वाले लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बदबू आता है, इसमें सूखा कचड़ा और गीला कचड़ा दोनों मिक्स रहता है। जब हवाएं चलती हैं तो लोगों को बाइक चलाने में दिक्कत होती है, जानवर इसमें रहते हैं, जानवर से उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कभी लोग गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर नगर निगम ने ये कूड़ा बनाया है तो उनको ये भी चाहिए इसके सफाई का ध्यान दें और इस पर नियमित रूप से कार्रवाई करें। और जब स्वच्छ भारत अभियान की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में हमारे प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में सोचा है तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पे सुना है मंदिर है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बगल में मंदिर है, माता जी का मंदिर है, लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और इधर ही से जाते हैं तो उन लोग अपना नंगे पैर आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही आते हैं, कुछ पूजा पाठ की सामग्री लेके आते हैं, उससे भी ये दूषित होता है इससे और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कितने दिन के गैप करके फिर ये कूड़ा उठता है? 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी हफ्ते भर, ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी हफ्ते भर होता है। हाँ, कभी हम इनके लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कुछ गाड़ियों का इशू था या कुछ उसका इशू था, गाड़ियाँ जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ खड़ी भी हैं और ये समझ लीजिए कूड़ा ये अधिकतर क्या कहते हैं सुबह से शाम तक ऐसे पड़ा ही रहता है ये। आपको क्या नाम? मेरा नाम प्रवीण पाठक है। देखिए ये समस्या कहाँ पर की है? ये कूड़े की जो समस्या है ये आज की नहीं है, इसके बारे में काफ़ी बार नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बताया गया कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन वो होता क्या है, वो आई गई बात हो जाती है। हम लोगों को स्थानीय स्तर पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। होता क्या है, सामने इधर बगल में मंदिर है, लोग आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, कोई अपना पूजा पाठ के लिए आता है तो पता चला कूड़ा उड़ रहा है, हल्की सी बारिश हो जाती है उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है कि लोग बीमार पड़ने लगते हैं, संक्रमण फैलने की मतलब स्थिति आ जाती है। तो ये जो स्मार्ट सिटी और ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो मुझे लगता है कि सारी जगह पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दिया? ये कहीं ना कहीं पे एक गैर जिम्मेदाराना हरकत लगती है। अच्छा, सुना गया और हटाने की भी बात की गई है आप लोग तो? हाँ बिल्कुल, ये होता है कि भाई हट जाएगा, शहर के अंदर कोई भी कूड़ा घर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी बार बताने के बावजूद कूड़ा 4-4 दिन पड़ा रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ से परे। कहां पर का क्षेत्र है ये? क्षेत्र है आपका इंदिरा नगर, लगता है आम्रपाली चौराहे के पास में, आवासीय पब्लिक स्कूल ये है, इसके पास में ये कूड़ा घर बना रखा है, काफ़ी टाइम से नगर निगम ने इसको बना रखा है, तो अब आवश्यकता है इसको यहाँ से हटाने की, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग अपनी सांस ले पाए, स्वच्छ वातावरण में रह पाए। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा योगी जी का ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जिम्मेदार लोगों को अवगत कराएं और यहाँ से जल्दी हटवाएं। ठीक, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है एक स्थानीय नागरिक होने के नाते। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजू। ये यहाँ मंदिर में क्या है आप? पुजारी। यहाँ के पुजारी हैं? किस माता का मंदिर, किसका मंदिर? काली माता। काली माता जी का मंदिर है यहाँ पर। जो है मंदिर से मिला हुआ भी देखा गया है कि कूड़ा घर है जो कि पूरा तरह से कूड़े से भरा पटा पड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, कोई यहाँ सफाई नहीं है, अब फिर कूड़ा घर से गंधाता है, माता कुआं जो आता है कहता है आप शिकायत करो, तो हमने शिकायत किया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मंदिर जब था तो ना कूड़ा घर था ना सुरक्षाले था, पहले ये नहीं था, बाद में बनाया गया, ये बाद बनाया गया। अच्छा, तो आपको लगता है कि मंदिर के बराबर में इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो उसकी सफाई वगैरह होनी चाहिए? सफाई होना चाहिए,
मंदिर बगल में होने नहीं किए, खुला फचवाड़े बन गया, कूड़ा घर है इसके बगल में होने नहीं किए। अच्छा कई कई दिन तक कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है? कूड़ा या दो दो दिन पड़ा रहता है, तीन तीन दिन पड़ा रहता है कूड़ा, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा ठीक है।